ओम शांति। हम में से सभी आत्माएं दूसरों को संतुष्ट करना चाहती हैं और संतुष्ट रहना भी चाहती हैं, लेकिन फिर भी आजकल हम देखते हैं कि हमसे कोई संतुष्ट होता ही नहीं है, और देखा जाए तो हम भी किसी से संतुष्ट नहीं हैं। कारण क्या है? अच्छा, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम संतुष्टता सिर्फ कर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं या सिर्फ कर्म में संतुष्टता ढूंढते हैं, लेकिन नीम का बीज डालकर आप कभी आम का फल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। संतुष्टता हमारे मन में होनी चाहिए। अगर सेटिस्फैक्शन हमारे मन में नहीं है, नो चांस। ना हम कभी संतुष्ट होंगे, ना वो कभी संतुष्ट होंगे। आप किसी को एक गाड़ी गिफ्ट कर दीजिए, मर्सिडीज कर दीजिए, जो चाहे कर दीजिए, लेकिन अगर हम मन से संतुष्ट नहीं हैं उसे ये गिफ्ट करते हुए, अगर हमारे मन में कुछ और रंचक मात्र भी चल रहा है, अगर चाहे वो नाम मान शान की इच्छा हो, कुछ भी हो, चेक कीजिएगा कि वह तो मुझे मानने लग जाए या मेरी तारीफ़ करे या मेरा एहसान माने। कुछ भी ऐसी चीज़ अगर है और बाहर से हम ऐसी चीज़ करते हैं तो देखिएगा, गाड़ी के साथ साथ वो सब कुछ भी जाता है जो हम सोच रहे हैं। यहाँ से गाड़ी गई, यहाँ से सोच गई, तो क्या होता है? आप देख लीजिए चारों तरफ हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं दूसरों के लिए। कोई भी हमसे संतुष्ट होता है? नहीं होता। सब कुछ देते हैं हम दूसरों को, देते हैं ना अपने बच्चों को। आप क्या क्या देते होंगे देख लीजिए, क्या मिलता है बच्चों को? देते हैं, बड़े होके यही बोल देते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या? आजकल तो छोटे छोटे बोलने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें कुछ देते हैं ना, उसके साथ हम वो भी देते हैं जो यहाँ कैरी करते हैं दिन भर। क्या कैरी करते हैं? टेंशन, स्ट्रेस, चिंता उनके प्रति, ये सब चीज़ भी उनको चली जाती है। तो उनको कुछ मिलता ही नहीं, वो खिलौनों से क्या हो रहा है? देना तो यहाँ से है ना। तो यहीं इसीलिए कोई संतुष्ट होता नहीं। तो यहाँ पर एक विशेष बात का अटेंशन देना है कि यहाँ से शुरू करना है, बीज यहाँ डालना है, यहाँ पे संतुष्टता का संस्कार बनाना है। यहाँ पर जो भी किसी के लिए कुछ भी करेंगे उसमें कोई भी मान शान की इच्छा ना रखे। अगर है तो बेहतर है कि हम ये करें ही ना, तो अच्छा है। वैसे भी जो देने वाले होते हैं ना, वो कोई इच्छा नहीं रखते हैं। देना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी फीलिंग है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो ये दैवी गुण है और हमें बहुत अच्छा फील कराता है, और बहुत बार हम ये फील करते भी हैं, लेकिन जब वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, हम फील करते हैं बहुत अच्छा लगा। जैसे हम कभी सड़क पे जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, और हम सडनली उसकी मदद कर देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं था, ना वो हमें जानता ना उसे जानते। वहाँ वो मदद हमें संतुष्टता देती है ना, कितना सेटिस्फैक्शन फील कराती है, और उसको भी होता होगा बराबर। लेकिन जब हम किन्हीं अपनों के लिए, जिनके साथ हम पूरे दिन पार्ट बजाते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, करने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग नहीं आती है। डीप चेकिंग करें तो पाएंगे कि कुछ ना कुछ कामनाएँ छिपी हुई हैं, और जहाँ कामना होती है ना, वहाँ सामना नहीं होता, कमी कमजोरी हावी हो जाती हैं, और यहीं फिर सब कुछ करने के बाद भी खालीपन। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप पांच प्रमाण इस तरह भी ले सकते हैं कि मैं संतुष्टता का सितारा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड सोल। दूसरा, मैं संतुष्टता की देवी हूँ, सबको सेटिस्फैक्शन देने वाली। कौन देगा सेटिस्फैक्शन? जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करेगा, तो उसको बहुत संतुष्टता फील होगी। तीसरा, मैं बहुत सुखी हूँ। और चौथा, मैं शांत हूँ। और पांचवा, मैं प्रसन्न हूँ। फील कराएंगे आपको ये, इस तरह के अफर्मेशन हमने यूज़ करके देखने हैं। इनके थोड़े डीप में जाइएगा, मैं संतुष्टता का सितारा हूँ, बोला फील करना है, आई एम सेटिस्फाइड सोल, मैं हर जगह संतुष्ट हूँ। ज़रा विजुअलाइज करके देखिए, एक बिल्कुल संतुष्ट व्यक्ति कैसा होता है, इमेज आपके सामने आ जाएगी। विजुअलाइज करें, जब वो इमेज सामने आए फिर चिंतन करें, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 मिनट मेडिटेशन करें, स्वयं को मस्तक के बीच में देखें, मैं आत्मा
संतुष्ट मणि, आई एम सेटिस्फाइड सोल, बिल्कुल शांत, सबको सुख शांति देने वाले, सबके मनों को चैन देने वाले, सब मुझसे एकदम संतुष्ट हैं, मैं भी संतुष्ट हूं, ये मुझे सुख देता है, मैं बहुत सुखी हूं। संतुष्टता के सागर की मैं संतान हूं। ओम शांति। पानी सामने रख के अभ्यास बार बार करें अगर, और पिए पानी, तो फील होगा कि हाँ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ।